नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों हेडिंग है। देखिए, इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे इनकी परिणाम क्या क्या विशेषता रहे प्रकाश विद्युत प्रभाव को, और आप यहाँ तक सीखेंगे पूरा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब किसी निश्चित आवृत्ति वाले विकिरणों को पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जैसी धातुओं की सतह पर डाला जाता है, जब किसी निश्चित आवृत्ति, मित्रों ऐसी किरण हो जिसकी आवृत्ति निश्चित हो, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जैसी धातुओं की सतह पर डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इसमें उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। शायद मित्रों आप समझ पाए होंगे। देखिए, हम एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण लेंगे और किसकी सतह पर डालेंगे, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जैसी धातुओं की सतह पर। तो होता क्या है, इन धातुओं की सतह से मित्रों इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद देखिए इनकी क्या क्या विशेषताएं रही, क्या क्या परिणाम थे। दरअसल प्रकाश विकिरणों के टकराने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समयांतराल नहीं पाया जाता। प्रकाश विकिरणों के टकराने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समयांतराल नहीं पाया जाता। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग या गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और देखिए मित्रों क्या क्या है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, परंतु आवृत्ति पर नहीं। इसका मतलब यह है मित्रों, देखिए प्रकाश जितना ज़्यादा तीव्रता से पड़ेगा किसी धातु की सतह पर, उतने ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। चौथा देखिए, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति न्यू नॉट वाले विकिरण की आवश्यकता होती है, इसे दहली आवृत्ति कहते हैं। मित्रों देखिए, जब आपको पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जैसी धातु से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, निश्चित आवृत्ति वाले किसी विकिरण को डालेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना उसी मित्रों आवृत्ति को हम लोग दहली आवृत्ति कहते हैं, जो निश्चित आवृत्ति आप डालेंगे। आगे आप ध्यान दीजिए, जब न्यू इज ग्रेटर देन हो न्यू नॉट के, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। देखिए, जब न्यू इज ग्रेटर देन हो न्यू नॉट के, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा उपस्थित होता है। ठीक, आपतित फोटॉन की ऊर्जा बराबर, देखिए क्या फार्मूला होता है, दहली ऊर्जा प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। आपतित फोटॉन की ऊर्जा को हम लोग एच इनटू न्यू से दिखाते हैं, बराबर दहली ऊर्जा न्यू नॉट, ठीक, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो एच इंटू न्यू, या आप एच इंटू न्यू या एच इंटू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, के ई बराबर 1/2 mv² होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए मित्रों अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर चलिए मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आया, एच इंटू न्यू एज इट इज, एच इंटू न्यू नॉट एज इट इज, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv². अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यही है, अगर इसे हम इस साइड पक्षांतर कर दें तो एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू नॉट, ठीक। अब देखिए के ई काइनेटिक एनर्जी, दोनों में एच है तो एक एच कॉमन लेंगे, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, बात समझ में आ रही है, के काइनेटिक एनर्जी बराबर एच। और मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, न्यू नॉट बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो सी कॉमन ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी एच सी, तो ब्रैकेट में 1/λ - 1/λ0, राइट। और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, उपरोक्त समीकरणों को आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहते हैं, जहाँ न्यू नॉट दहली आवृत्ति, लैम्डा नॉट दहली तरंग दैर्ध्य है। चलिए मित्रों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।